बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। बादाम हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बादाम भिगोकर और इसे छीलकर खाने की सलाह देते हैं। लेकिन बादाम को भिगोकर खाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है या नहीं, चलिए आपको बताते हैं। बादाम को भिगोकर खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित हो जाते हैं। वहीं भीगे हुए बादाम को पचाना भी शरीर के लिए आसान हो जाता है। बादाम को भिगोकर छिलके निकाल कर खाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। बादाम के छिलकों में टैनिन नामक कंपाउंड मौजूद होता है जो पोषक तत्वों को पूरी तरह अवशोषित नहीं होने देता। चलिए अब आपको बताते हैं बादाम खाने का सही तरीका। एक कटोरी में 5 से 6 बादाम को पानी में रात भर के लिए भिगो कर रख दे। फिर अगली सुबह बादाम के छिलकों को निकाल कर इसका सेवन करें। इस तरह बादाम खाने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं। वहीं आयुर्वेद की माने तो सूखे बादाम के सेवन से शरीर में पित्त का असंतुलन बढ़ सकता है, इसलिए बादाम को भिगोकर और छिलका निकालकर खाना शरीर के लिए अधिक फायदेमंद होता है। बादाम को भिगोकर खाने से वजन कम करने और पाचन को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है। वहीं इस तरह सेवन करने से बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कई न्यूट्रिशन भी मिलते हैं, इसलिए बादाम को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। फिलहाल हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।